सॉल्व हो जाएगा, और इधर 16 को 2 पावर 4 लिख सकता हूं, यहां से सॉल्व करा तो मेरे पास एन की वैल्यू 2 आई। अब यहां पर ये जो दे रखा है 3 पावर n, ये देखिए माइनस हो जाएगी पावर, दोनों तरफ बेस सेम है, पावर एड यानी कि पावर इक्वल करेंगे तो p माइनस 4 4 आ गया। अब ये मेरे को जो दे रखा है ना, देखिए स्टूडेंट ये पूरा होल स्क्वायर है पावर 2, तो ये पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे a की पावर माइनस 1 है ये पूरी होल पावर, ये ऊपर जाएगी तो देखिए प्लस की हो जाएगी। अब दोनों तरफ बेस सेम है, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर ये और ये एड हो जाएगी, ये सब जो ऐड हो गए, देखो इसमें पहले 2 की मल्टीप्लाई होगी, ऐड हो गया, ऐड हो गया सब कट जाएगा, जैसे 2n 2n से कट जाएगा, 2p 2p से कट जाएगा, m प्लस m 4m, 5 पावर a पावर 5 m आ गया। अब a की वैल्यू, m की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, यहां पर रख दिया तो a पावर 10 आ गया। अब मुझे पता है 2 रेस पावर 1/2, क्योंकि a की वैल्यू मुझे गिवन है 2 रेस पावर 1/10, तो मैंने यहां पर वैल्यू रख दी, 10 से 10 गया और 2 मेरा आंसर है। और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए स्टूडेंट्स, इसको अच्छा लगा हो तो।